गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के पांचवें टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसका लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के भी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस है। देखिए, कोई भी गैस हल्का है या भारी है ये उसके अनुभार से पता चलता है। अनुभार से पता चलेगा गैस हल्की है या भारी, ये पता चलेगा उसके अनुभार से। और अनुभार को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये पता चलेगा मॉलिक्यूलर वेट से। अब देखिए, वायु से कौन सा गैस हल्का है, तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको वायु का अनुभार पता होना चाहिए। अब कहिएगा कि सर, वायु तो जो है वो आपका मिश्रण है, ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, कोई यौगिक तो है नहीं, फिर इसका अनुभार कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका अनुभार एक अप्रोक्सीमेट मेथड से निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि वायु जो है इसमें 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, और नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है? तो पहले देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। और यहाँ पर अणु में कितने परमाणु हैं नाइट्रोजन के? 2। तो नाइट्रोजन का जो अनुभार होगा वह होगा 2 × 14 यानी कि 28। इसके बाद आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% है। तो ऑक्सीजन का अनुभार कितना होगा? तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है अणु में? ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 2 × 16 कितना हो गया? 32। तो नाइट्रोजन का अनुभार 28, ऑक्सीजन का अनुभार 32। अब ये दोनों मिलाकर के लगभग 99% हो गया, मान लो 100% हो गया। तो ये 28 और 32 के बीच ही में कुछ है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, तो इस दोनों के कहीं ना कहीं बीच में। और नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो 28 और 32 के बीच में अगर इसका अनुभार निकालना चाहते हैं तो औसत निकाल लीजिए। 78 × 28, 21 × 32, दोनों को जोड़ दीजिए। 78 × 28 प्लस 21 × 32 और बटा कर दीजिए 99। 99 न लेकर के आप अप्रॉक्स में 100 भी ले सकते हैं। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो लगभग वायु का अनुभार निकलेगा। और लगभग आप देखिएगा कि वायु का जो अनुभार निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वायु का जो अनुभार आएगा वो आएगा लगभग, बिल्कुल सही नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 29। तो एग्ज़ाम में आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है और इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। आज से आप लोग याद कर लीजिए कि वायु का जो अनुभार होता है वह कितना होता है? 29 यानी 29। तो यह वायु का अनुभार निकल गया। अब आपसे ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो वायु जो है वो ऑक्सीजन से हल्की है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वायु से हल्का कौन है? तो वायु यहाँ हल्का हो गया, ऑक्सीजन भारी हो गया, तो ऑक्सीजन तो आंसर होगा नहीं। दूसरा आइए, अगला ऑप्शन है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो अमोनिया का अनुभार कितना होगा? देखिए, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन 1 परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। और हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 3। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, जोड़िएगा कितना आया? 17। और ये 17 जो है ये 29 से तो कम है, यानी अमोनिया जो है वह वायु से हल्की गैस है। आंसर हो गया अमोनिया। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल जो है वो आपका दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। क्लोरीन का कितना परमाणु है? 2। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। लगभग आपको परमाणु भार याद रखना पड़ेगा तत्व का, कम से कम 20 तक के तत्व का तो परमाणु भार जरूर याद कर लीजिएगा। तो 35.5 × 2 कितना हो गया? 71। ये तो वायु से भारी हो गया।
और चौथा है प्रोपेन। प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन जो है ये होता है C3H8, ये प्रोपेन है। और देखिए कार्बन का कितना परमाणु है? 3। और कार्बन का परमाणु भार कितना? 12। हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 8 है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। और इसको जोड़िएगा तो 12 + 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44। तो ये भी वायु से भारी हो गया। तो ऑक्सीजन वायु से भारी हो गया, अमोनिया वायु से हल्का हो गया, क्लोरीन और प्रोपेन भी ऑक्सीजन से भारी हो गया। इसलिए आंसर होगा पहला का ऑप्शन नंबर आपका बी, अमोनिया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात किसी माध्यम का है उसका। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग को डिस्कशन पसंद आ रहा है तो फिर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस जो हम डाल रहे हैं वो मिल सके। तो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बाबू इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और संकेत होता है इसका बी। और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सामर्थ्य, और इसको इंडिकेट करते हैं H से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंग्लिश में, संकेत हुआ B। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, संकेत हुआ H। इस दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं चुंबकशीलता या पारगम्यता, इसको कहते हैं चुंबकशीलता या पारगम्यता, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं परमीएबिलिटी। देखिए परमीएबिलिटी इंग्लिश में इसको कहा जाता है परमीएबिलिटी, हिंदी में कहेंगे इसको चुंबकशीलता। ज़्यादा प्रचलित टर्म चुंबकशीलता ही है, पारगम्यता कम प्रचलित टर्म है। तो इसको कहा जाता है चुंबकशीलता, या कहीं कहीं इसको किताब में पारगम्यता भी लिखा हुआ है, पारगम्यता। तो ये तो हुआ आंसर चुंबकशीलता या पारगम्यता, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है देखिएगा पारगम्यता दिया हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं ज़्यादा प्रचलित टर्म कौन सा है? चुंबकशीलता। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन अब ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए जब आप किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं, जब आप किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसके चारों ओर अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके चारों ओर। समझिए पहले कि जब किसी, हम मान लो कि एक मैग्नेट है, ये एक सपोज कर लीजिए चुंबक है, मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर जो है वह बना चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें यह चुंबक किसी दूसरे चुंबक पर या किसी दूसरे लौह चुंबकीय पदार्थ पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक यह चुंबक किसी दूसरे चुंबक पर या लौह चुंबकीय पदार्थ पर अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाता है इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर इसका सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। जब जो जगह पास रहता है वहाँ सामर्थ्य ज़्यादा होता है, जो जगह दूर रहता है उसका सामर्थ्य कम होता है। जैसे इस पॉइंट ए का सामर्थ्य ज़्यादा है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, और पॉइंट बी पर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कम है। तो ये चुंबक का, चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी बिंदु पर प्रभाव है। ये चुंबक अपना कितना प्रभाव दिखाएगा, अपना कितना ताकत दिखाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी दूसरे चुंबक को रखते हैं, मान लो एक दूसरा मैग्नेट रखे, तो इसमें जो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करेगा, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब इसके एकांक क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसके एकांक क्षेत्रफल से यानी यूनिट एरिया से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी वह होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है ऐसा हथेली आकार का, तो इसके एकांक क्षेत्रफल से यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से
जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी वह हो जाएगा इसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी दूसरे चुंबक को या लौह चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उसके एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय फ्लक्स उसका कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो किसी चुंबक में विकसित हुआ और किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का जो अनुपात होता है उसी को परमिएबिलिटी यानी चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2 का ऑप्शन नंबर डी, पारगम्यता। लेकिन याद रखना ज़्यादा प्रचलित टर्म है चुंबकशीलता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन, चुंबकन की घनता और संबंधित व्याप्तता, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। एक ऑप्शन है जो है आपका ग्रहणशीलता। अब ये ग्रहणशीलता क्या होता है? ग्रहणशीलता इंग्लिश में इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ग्रहणशीलता। इंग्लिश में इस ग्रहणशीलता को कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, और इसका संकेत मान लो एक्स से हम दिए, तो ये ग्रहणशीलता है। तो ये ग्रहणशीलता क्या होता है? चुंबकीयन की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो ऊपर में लिखा हुआ है H, और चुंबकन की तीव्रता को संकेत देते हैं I से। तो ग्रहणशीलता क्या है? चुंबकन की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H यानी चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात है। और इस ग्रहणशीलता को अंग्रेजी में कहा जाता है ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा जाता है? ससेप्टिबिलिटी। तो ये ससेप्टिबिलिटी हुआ, ग्रहणशीलता इंग्लिश में ससेप्टिबिलिटी, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात होता है, और चुंबकशीलता या पारगम्यता जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बात क्लियर हुआ, आंसर हो गया पारगम्यता। देखिए यहाँ पर हम चार चीज बताएं, जब किसी चुंबक को चारों तरफ रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर सामर्थ्य अलग अलग होगा। तो कहीं पर मान लो सामर्थ्य एच है, किसी भी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर सामर्थ्य एच है, और यहाँ पर जब चुंबकीय पदार्थ को किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को, या मान लो लोहा, ऐसे समझो कि लोहा को रखे, तो उसके एकांक क्षेत्रफल से जो फ्लक्स जा रहा है, जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात उसका पारगम्यता यानी चुंबकशीलता है। दूसरा है ग्रहणशीलता, इंग्लिश में ससेप्टिबिलिटी, जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके चुंबकन की तीव्रता, उसमें जो चुंबकन की तीव्रता विकसित हुई और जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है उस दोनों का अनुपात होता है ससेप्टिबिलिटी। और याद रखना ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है, मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है, याद रखो मात्रकहीन और विमाहीन। जबकि इसका मात्रक भी पूछता है, इस परमिएबिलिटी का, इसका मात्रक याद रखना, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, ज्यादातर यही चलता है हेनरी प्रति मीटर। तो ये हो गया परमिएबिलिटी। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है, अगर याद रखना है तो याद रख लो, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, इसका ये भी यूनिट होता है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, परमिएबिलिटी का यूनिट हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, मतलब अगर बहुत बहुत पुराना कोई चट्टान है, सर्व प्राचीन अत्यधिक प्राचीन, मान लो कोई चट्टान बहुत बहुत पुराना है, लाखों करोड़ों साल पुराना है, उसकी आयु को ज्ञात करना है कि ये चट्टान कितना पुराना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग यानी किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या आपको कौन सा आइसोटोप यूज़ करना होता है।
तो देखिए, अगर एक आध हज़ार या एक आध लाख साल पुराना चट्टान होता है तो उसकी आयु को अगर निकालना होता है, उसका आयु का अगर निर्धारण करना होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। अगर प्राचीन चट्टानों के लिए पूछा, पुराने चट्टानों के लिए पूछा कि आयु निर्धारण करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा पोटेशियम आर्गन समस्थानिक का, और विधि का नाम हो गया पोटेशियम आर्गन विधि का। लेकिन बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है, एकाध करोड़ साल पुराना अगर कोई चट्टान है, तो उसका अगर आयु निर्धारित करना होता है तो उसके लिए जो विधि होता है वह होता है यूरेनियम लेड डेटिंग विधि। दोनों में अंतर समझ लो। अगर प्राचीन चट्टान पूछेगा और एक अत्यधिक प्राचीन चट्टान पूछेगा, अगर प्राचीन चट्टान पूछा, पुराना चट्टान एक आध लाख साल तक पुराना अगर चट्टान का पूछेगा, तो प्राचीन चट्टान का अगर आयु निर्धारण करना होता है तो इसके लिए होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। और अगर बहुत पुराना चट्टान है तो अत्यधिक प्राचीन, सर्व प्राचीन, अत्यधिक प्राचीन चट्टान है तो इसका अगर आयु निर्धारण करना होता है तो उसके लिए यूरेनियम लेड डेटिंग विधि का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक कार्बन 14 का बात है, तो कार्बन 14 जीवाश्म का अगर आयु ज्ञात करना होता है, जीवाश्म का आयु अगर निर्धारण करना होता है तो इसके लिए होता है कार्बन 14 डेटिंग विधि। कार्बन 14 समस्थानिक का यूज़, कार्बन का जो समस्थानिक C14 होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अंतर याद रखिए, प्राचीन चट्टान बोलेगा पोटेशियम आर्गन, अत्यधिक प्राचीन चट्टान बोलेगा यूरेनियम लेड डेटिंग विधि का इस्तेमाल होगा। आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर D, यूरेनियम लेड विधि। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कहता है कि अगर n है कक्षा संख्या, तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर यह है कक्षा संख्या, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। जैसे पहला कक्षा में तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। जैसे अगर पहला कक्षा का पूछा, मान लो पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया। अगर दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये पूछा, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। अगर तीसरा कक्षा में पूछा अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो गया, 18 हो गया। इसी प्रकार से आप n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करते जाएगा। पहला कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरा कक्षा के लिए 2, तीसरा कक्षा के लिए 3, ऐसे पुट करना। लेकिन एक और बात याद रखें, पांचवा कक्षा का पूछ देगा तो 2 × 5 का स्क्वायर 50। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछे कि यदि n कक्षा संख्या को प्रदर्शित करता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं यदि वह कक्षा सबसे बाह्यतम कक्षा हो, यदि वह कक्षा सबसे बाह्यतम कक्षा हो, तो बाह्यतम कक्षा में याद रखिएगा कभी भी इस फॉर्मूला को यूज नहीं कीजिएगा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, चलो ऐसे सोचो कि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि यदि चौथी कक्षा किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा हो, यदि चौथी कक्षा किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा हो तो उसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो फिर आंसर हो जाएगा 8। अगर छठा कक्षा बाह्यतम कक्षा है तो उसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो होगा 8। तीसरा कक्षा बाह्यतम कक्षा है तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेगा, तो 8। तो अगर बोलेगा कि वह कक्षा बाह्यतम कक्षा है तो आंसर 8 होगा, और अगर वह बाह्यतम कक्षा नहीं है तो उस केस में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n² यूज करोगे। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ये होगा 2n². ये तो कक्षा का बात हुआ। उपकक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछेगा,
तो उपकक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछेगा तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? उपकक्षा में एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा और एफ उपकक्षा। एस उपकक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकक्षा में अधिक से अधिक 6, डी उपकक्षा में अधिक से अधिक 10 और एफ उपकक्षा में अधिक से अधिक 14। तो SPDF यही 4 गो होता है। यह हो गया सब उपकक्षा, सब सेल। तो इसमें एस उपकक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी उपकक्षा में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी प्रकार डी में 10 और एफ उपकक्षा में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यह हुआ उपकक्षा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कक्षक, कक्षक का इंग्लिश होता है ऑर्बिटल, तो किसी कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। कक्षक में पूछा तो 2, कक्षा में पूछा तो 2n², बाह्यतम कक्षा में पूछा तो फिर 8 और SPDF में पूछा तो फिर 2, 6, 10, 14। चलिए कंसेप्ट क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर्स हैं जिनके वैल्यूज अलग अलग है, जो यानी सीधा सीधी ऐसे समझिए दो अलग अलग वेक्टर हैं, तो फिर इस केस में चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, यानी जो अलग अलग वेक्टर्स हैं, ऐसे समझिए कि दो अलग अलग सदिश हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर ए है उनकी दिशा अलग होगी। जरूरी नहीं है, मान लो एक वेक्टर है 6 न्यूटन और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में है 10 न्यूटन। ये 6 न्यूटन ईस्ट हो गया, ये 10 न्यूटन ईस्ट हो गया, 6 न्यूटन पूरब, 10 न्यूटन पूरब। तो ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों का परिमाण अलग अलग है। देखो वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। सदिश में कभी भी चर्चा दो बातों की होती है, एक उसके परिमाण का, दूसरा उसका दिशा का। सदिशों का मूल्यांकन कभी भी होगा तो उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से और उनकी दिशा यानी उनके डायरेक्शन से होगा। यहां पर कह रहा है दो अलग अलग वेक्टर है तो दोनों की दिशा जरूरी नहीं कि अलग अलग होगा। एक 6 न्यूटन पूरब है, 10 न्यूटन पूरब है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वेक्टर है, इसलिए पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उनका परिणामी शून्य होगा। कैसे परिणामी शून्य होगा? यहां देखो परिणामी तो शून्य होने का सवाल ही नहीं है। यहां पर परिणामी पूछेगा तो कितना होगा, 10 अच्छे हो जाएगा 16, विपरीत दिशा में होता है तो घटा देते तो होता 4, तो शून्य तो होना ही नहीं है। याद रखना अगर दो वेक्टर अलग अलग हैं तो इनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर अलग अलग हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर हैं, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नेवर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी दो अलग अलग वेक्टर कभी भी जुड़ने पर, घटने पर या कुछ भी आप कर लो, ये कभी 0 नहीं देगा। अगर आपको 0 चाहिए तो कम से कम जो अलग अलग वेक्टर्स चाहिए वो 3 चाहिए। शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए, असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। और शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए समान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। समान सदिशों की न्यूनतम संख्या 2, जैसे 3 न्यूटन पूरब, 3 न्यूटन पश्चिम, 3 न्यूटन पूरब हो गया, 3 न्यूटन पश्चिम हो गया, यह 0 दे देगा। तो 2 समान सदिश, समान परिमाण वाले सदिश 0 देंगे। कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन 0 प्राप्त करने के लिए असमान सदिश कई को चाहिए? 3। कैसे? मान लो 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, तो 1 और 2 को एक ही दिशा में लगा दो, ये 1 ये 2, और तीसरे का जो है उसको इधर लगा दो, तो इधर भी हो गया 3, इधर भी हो गया 3। अब दो सेम वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में विपरीत दिशा में, टोटल कितना देगा? 0 देगा। तो असमान सदिश की न्यूनतम संख्या कम से कम होना चाहिए 3, उसके बाद कुछ भी, 3, 4, 5, 6, 7, 10 अनंत। तो फिर से एक बार बता दे रहे,
असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए 3 और समान सदिशों की न्यूनतम संख्या शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए होना चाहिए 2। समान में 2, असमान में 3। तो बी ऑप्शन जो कहता है कि उनका परिणामी शून्य होगा, नहीं, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, दो सदिश ए और बी है तो इसका न्यूनतम मान होता है ए माइनस बी और अधिकतम मान होता है ए प्लस बी। अगर दो सदिश है, दो वेक्टर है जिसका परिमाण ए और बी है, तो इसका जो न्यूनतम परिमाण होगा वह होगा ए माइनस बी और अधिकतम परिमाण होगा ए प्लस बी, और वैल्यू इसी के बीच में रहेगा, यानी ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व का ऑक्सीकरण संख्या, एक बच्चा कमेंट में किया था कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दीजिएगा, तो पढ़ा तो नहीं सकते हैं क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जो आपके एग्जाम में आएगा उस हिसाब से समझा देते हैं। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अवकरण, ऑक्सीडेशन हिंदी में ऑक्सीकरण, रिडक्शन हिंदी में अवकरण। अगर याद रखना है तो एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन को मतलब समझो RAIL, रेलवे का परीक्षा है तो रेल याद रहेगा ही, तो ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में याद रखो RAIL और रिडक्शन को शॉर्ट में याद रखो GARD। अभी गार्ड का भी परीक्षा है NTPC का, तो गार्ड, हालांकि स्पेलिंग गलत लिखे लेकिन याद इसी को रखना है, GARD, सही स्पेलिंग नहीं लिखे। अब ये रेल का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी सॉरी, आर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। ए का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। आई का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और एल से होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब अगर कोई परमाणु या अणु से, अगर किसी परमाणु या अणु से हाइड्रोजन हटता है या उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है या वह परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, फिर से समझ लो, या तो किसी यौगिक से, अणु से हाइड्रोजन हटे या किसी परमाणु या अणु में ऑक्सीजन जुड़े या किसी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़े या वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो इनमें से अगर कोई एक घटना हो, कोई दो घटना हो, कोई तीन घटना हो या चारों घटना हो, तो इसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑक्सीकरण में या तो हाइड्रोजन हटता है या ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई तीन भी हो सकता है, चारों भी हो सकता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन, अवकरण। जैसे यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ए से हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे इसमें देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आर का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटता है, यहां देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था,
और डी से हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। और एक बात और याद रखना, तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट हुआ, एक और बात याद रखना कि किसी भी प्रतिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में, कोई भी प्रतिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है। मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। इसीलिए जिन प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको सामूहिक रूप से हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स प्रतिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, अब ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, इंक्रीज होगा, आंसर होगा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में होता है। देखिए कॉपर सल्फेट को जब पानी में डाला जाता है, यानी उसको जब पानी में मिलाया जाता है, पहले देखो इससे एक और क्वेश्चन समझ लो। अगर क्वेश्चन पूछा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है ना, और कॉपर सल्फेट का क्या क्या नाम है, तो सबसे पहला देखो कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है। अब ये अगर शुष्क कॉपर सल्फेट है, यानी ड्राई कॉपर सल्फेट है, मतलब इसमें पानी का अंश नहीं है, शुष्क कॉपर सल्फेट, तो शुष्क कॉपर सल्फेट को दिखाया जाएगा CuSO4 से, और इसका रंग जो होता है वह होता है वाइट, सफ़ेद, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। लेकिन अगर ये पानी ग्रहण कर लिया तो फिर इसका रंग हो जाता है नीला, और ये हो जाता है आर्द्र कॉपर सल्फेट, आप कह सकते हैं वेट कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप कह सकते हो। ये तो पाउडर के रूप में होगा, ये क्रिस्टल में होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, और इसमें होता है CuSO4 फॉर्मूला इसका N2 5H2O, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी रवाकरण का जल, ध्यान देना रवाकरण का जल, इंग्लिश में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पूछता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, रवाकरण के कितने जल के अणु होते हैं, रवाकरण जल के कितने अणु होते हैं, तो आंसर होगा 5। और इसको कहा जाता है, इसका रंग होता है ब्लू, याद रखना इसका रंग होता है ब्लू, इसीलिए इसको कहा जाता है, नीला रंग होता है इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लू विट्रॉल, यानी इसको कहा जाता है नीला थोथा या नीला कशिश, नीला थोथा या नीला कशिश। तो चलिए यह तो एक इंफॉर्मेशन था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू कलर का होता है, इसको नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं, इसमें 5 जल के रवाकरण वाले अणु होते हैं, यानी रवाकरण के जल के 5 अणु होंगे। अब कहता है जब इस कॉपर सल्फेट को आप पानी में घुलाते हैं तो क्या होता है, देखिए पानी में जब घुलाएंगे तो होता है हाइड्रोलिसिस, यानी जल की सहायता से अगर कोई रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाए कंपाउंड में, पानी में डालने पर कोई रिएक्शन होने लगे तो इसको कहता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हो तो इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉपर सल्फेट को जब पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोलिसिस होता है। अब यह है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें पानी डाले, इसको पानी में डाले तो ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रोलाइसिस, जल से जब टूटे तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और जब ये टूटा तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। अब ये हाइड्रो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये होता है प्रबल अम्ल, और ये जो होता है ये होता है दुर्बल भस्म, भस्म। अब ये दुर्बल अम्ल और प्रबल, दुर्बल भस्म और प्रबल अम्ल जहां पर हो, तो अम्ल अगर प्रबल है तो इसका
जो होगा प्राथमिकता होगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, इसको ख़त्म करेगा, और इसलिए इसका जो जलीय प्रकृति हो जाएगा वह हो जाएगा अम्लीय, यानी इंग्लिश में एसिडिक। तो कॉपर सल्फेट को जब पानी में डाले तो जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोलिसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कॉपर सल्फेट को पानी में डालने पर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये पानी में कॉपर सल्फेट डालने पर इसका जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल भस्म है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। देखो जो 3 पिन प्लग होता है इसको 3 पिन सॉकेट में डाला जाता है। आपके बोर्ड में जो उपकरण रहता है चार्जर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, चार्जर का पिन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, उसको सॉकेट कहते हैं। और जो आपका सॉकेट में जो एंट्री करता है 2 पिन या 3 पिन वाला स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं पिन, या उसको आप कहते हो पिन। तो ये जो पिन होता है, पावर प्लग जो होता है, सॉरी जो आपका प्लग होता है, तो या तो ये प्लग 2 पिन वाला होता है या फिर 3 पिन वाला होता है। तो इसमें होता है सबसे ऊपर, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर सबसे मोटा वाला स्ट्रक्चर होता है और 1-2 आमने सामने स्ट्रक्चर होते हैं समान मोटाई वाले। तो सबसे ऊपर वाला जो पिन होता है ये होता है अर्थ पिन, और ये अर्थ पिन जो होता है ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। अर्थ पिन जो होता है सबसे ऊपर वाला, सबसे मोटा, सबसे लंबा, ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। ये जो लेफ्ट वाला होता है ये होता है फेज से कनेक्टेड, और राइट वाला जो होता है ये कनेक्टेड होता है न्यूट्रल से। एक होता है फेज से, एक होता है न्यूट्रल से, और ये होता है अर्थ पिन। तो अर्थ पिन मोटा और बड़ा क्यों बनाया जाता है? अर्थ पिन मोटा और बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जो भी धात्विक उपकरण आप प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाए तो आपको झटका नहीं लगे। अर्थ मोटा और बड़ा होगा तो फायदा होगा, ये सबसे पहले आपका अर्थ स्थापना कर लेगा, और अगर कोई भी लीकेज करंट होगा तो वो सीधे ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके पृथ्वी में पहुंच जाएगा, आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो याद रखिए अर्थ पिन सबसे मोटा सबसे लंबा बनाया जाता है ताकि जब आप इसको सॉकेट में डालिए तो सबसे पहले ये अर्थ से कनेक्ट हो और सबसे बाद में ये अर्थ से हटे, और ये सुरक्षा की दृष्टि से आपको बिजली के झटका से बचाने के लिए किया जाता है। फेज एक होता है लेफ्ट वाला और राइट वाला होता है क्या चीज? न्यूट्रल। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। तो आंसर हो गया आपका अर्थ सिरे से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। आप जानते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मालूम है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁶। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस है, मेगा का मतलब 10⁶, तो 10⁻¹⁹ में 6 घटा दो तो 10⁻¹³ जूल एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। अब पूछ रहा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो देखो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर होता है mc²। अब द्रव्यमान को ऊर्जा के रिस्पेक्ट में बताना है, ऊर्जा के क्रम में बताना है, तो फिर E बराबर mc² यूज होगा। अब यहाँ m का मान कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये kg है। प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको आप बदल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, सी पर स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 9, 9 को 9.1 से गुना कर दीजिए
तो ये हो जाएगा 81.9 गुना 10 का पावर माइनस 31 16। तो 10 का पावर माइनस 31 16 कितना हो गया, 10 का पावर माइनस 15, ये हो गया आपका जूल, इतना जूल। अब जानते हैं कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 13 जूल होता है। अब इसको बदलना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 81.9 गुने 10 का पावर माइनस 15 और जूल को बदलना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इतना से भागा देना होगा, तो 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप हल कर लीजिए, इसको हल करिएगा तो आएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। तो बात समझ में आ गया, द्रव्यमान अगर दिया है और जूल में उसको पूछ रहा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा के क्रम में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाना होगा E=mc²। ये भी याद रखिएगा वैल्यू, बहुत बार पूछता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिए ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 जूल होता है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 13 जूल होता है। अब जूल को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये वाला वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता तो इससे डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10। वे पौधे कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं। तो जो पौधा कभी भी फूल नहीं बनता है, देखिए जब पादप जगत का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो पादप जगत का क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है उनका, जब वर्गीकरण किया जाता है पादप जगत का, तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले प्लांट किंगडम को, पादप जगत को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक को कहा जाता है क्रिप्टोगेम, जिसमें बीज नहीं होता है पुष्प नहीं होता है उसको कहते हैं क्रिप्टोगेम, और जिसमें बीज होता है जिसमें फल बनता है पुष्प होता है उसको कहा जाता है फेनरोगेम, फेनरोगेम। तो ये बिना बीज वाला है बिना फूल वाला है, ये बीज वाला है फूल वाला है। और इस क्रिप्टोगेम में दो आता है, कौन कौन, तीन आता है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। तो इसमें आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा और तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। अब ये नहीं कि इसका हिंदी खोजिएगा, यही नाम चलता है, ये आपको याद रखना है। और फेनरोगेम जिसमें बीज होता है फूल होता है वह होता है दो, एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिसमें बीज पर आवरण नहीं हो, और दूसरा एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। तो यहां पूछा क्या क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन पूछा बिना पुष्प वाले पौधे को कहते हैं, आंसर होगा क्रिप्टोगेम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जिम्नोस्पर्म जो है ये पुष्प वाले पौधे हैं लेकिन इनके बीज पर आवरण नहीं होता, और एंजियोस्पर्म भी बीज वाले पौधे हैं लेकिन इनके बीज पर आवरण होता है। और एक ऑप्शन है आपका ऑर्किड्स, तो ऑर्किड्स जो होता है ये आपका एंजियोस्पर्म में आता है, ये एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल है ऑर्किड। आप जानते हैं कि ये ऑर्किड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह ऑर्किड जो होता है वह एपीफाइट होता है, अधिपादप होता है, दूसरे पौधे के जो तनाव होते हैं उनसे वह खनिज और जल का अवशोषण करता है या भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है, तो और कहते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन 11। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है तो एयर कूलर और एयर कंडीशनर दिमाग में जरूर आता है, तो अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों में क्या अंतर होता है। देखो एयर कंडीशनर और एयर कूलर ये दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला देखिए कि एयर कंडीशनर जो होता है एयर को कंडीशन करता है, मतलब वायु को बिल्कुल आपके कंडीशन लायक बनाता है, आपके प्रयोग लायक या आप जिसमें बिल्कुल कंफर्टेबल अनुभव करते हैं सहज अनुभव करते हैं उस लायक बनाता है। तो एयर कंडीशन कंट्रोल करता है तापमान को भी, नियंत्रित करता है तापमान को भी, नियंत्रित करता है आर्द्रता को भी,
और नियंत्रित करता है वायु की गति को भी। ये एसी यानी एयर कंडीशनर का काम है, ये तीनों को कंट्रोल करता है, वायु के तापमान, वायु की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब उसमें जल वाष्प की मात्रा, और तीसरा जो है वह है आपका वायु की गति। लेकिन जो एयर कूलर होता है ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, तापमान नियंत्रित कर लेता है, इसके अलावा ये वायु की गति को भी नियंत्रित कर देता है। आप कूलर का स्पीड बढ़ा करके आप हवा को तेज या धीमे घुमा सकते हैं, लेकिन ये आर्द्रता कंट्रोल नहीं करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है, ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था पहला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, ये भी सही है। दोनों तो सॉरी पहला कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करता है, सही है। दूसरा है दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है, ये गलत हो गया। फिर सी नंबर तो सही है, एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, तो ये सही है। और डी नंबर दोनों वायु की गति को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। तो आंसर कौन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। सीएनजी फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन। सीएनजी को इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है, पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। तो ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, आजकल देखे होंगे सीएनजी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए, और ये सीएनजी जो होता है इसका मेन कंपोनेंट जो गैस होता है वो होता है CH4 यानी मीथेन। अब ये सीएनजी का ज़्यादातर यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएनजी जो होता है ये वायु में अच्छी तरह से मिल सकता है, और इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीलो गैसों का उत्सर्जन नामात्र का करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत जहरीला गैस होता है, जब कार्बन युक्त पदार्थों का वायु में अपर्याप्त दहन होता है, जब कार्बन युक्त पदार्थों का वायु में अपर्याप्त दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। लेकिन सीएनजी को क्योंकि गैस है तो ये वायु में बहुत अच्छी तरह से मिलता है, इसको वायु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहरीला गैस का उत्पादन ना मात्र का करता है, और इसलिए ये इको फ्रेंडली है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से क्या जाना जाता है। देखो ये एक प्रकार का स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जिस, अब जानते हैं कि कई फाइलम है उसमें एक फाइलम स्पॉन्जिस भी होता है जो केवल समुद्र में ही यानी खारे पानी में पाया जाता है, मराइन एनिमल मतलब समुद्र में पाए जाने वाला जानवर है, खारा पानी में पाए जाने वाला स्पॉन्जिस। और स्पॉन्जिस का एक प्रकार होता है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, और इस यूप्लेक्टेला को कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट यानी वीनस के फूलों की डलिया, और ये एक स्पॉन्जिस है, याद रखिएगा ये एक स्पॉन्जिस है, और इसका जो है एशिया में खासकर जापान वगैरह में शादी में गिफ्ट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये एक प्रचलित वेडिंग गिफ्ट है, शादी में वगैरह समारोह में जो होता है कपल्स के लिए ये जापान वगैरह में इस गिफ्ट का यूज़ किया जाता है। इसके पीछे कारण होता है, देखो इसमें क्या होता है, यूप्लेक्टेला एक स्पॉन्जिस होता है, एक पात्र जैसा रचना होता है, और इसमें क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल श्रिम्प, एक मेल और एक फीमेल श्रिम्प, श्रिम्प क्या है, श्रिम्प एक प्रकार का अर्थोपोडा जीव होता है, वो इसके अंदर जब छोटा रहता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, श्रिम्प SHRIMP श्रिम्प प्रवेश कर जाता है, और ये बहुत दिन तक इसी में रहता है, और इसी में रह के ये बड़ा होता है, बड़ा होता है तो ये बाहर ही नहीं निकल पाता है, तो ये जो कपल होता है वो हमेशा जीवन भर साथ साथ रहता है, तो जीवन भर साथ साथ रहे इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है यूप्लेक्टेला, जिसमें श्रिम्प अंदर चला जाता है, एक मेल और एक फीमेल, और वो लाइफ टाइम उसी में रहता है एडजस्ट करते हुए चाहे लड़ाई झगड़ा कितना भी,
तो डाइवोर्स का कोई बात नहीं। तो ये है वीनस फ्लावर बास्केट, आंसर होगा वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूप्लेक्टेला। अगला आइए क्वेश्चन नंबर है 14, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगर सीधा सीधी पूछता कि पानी में बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है तो आंसर देते 1/10 पानी में। लेकिन अब समुद्र में कह रहा है प्लवन करते समय आइसबर्ग का, तो समुद्र का पानी जो होता है वह खारा होता है, उसमें लवणता अधिक होती है, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, तो नमक की मात्रा अधिक होगी तो उसमें उसमें उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाएगा, वो ज़्यादा घनत्व वाला द्रव ज़्यादा उत्प्लावन बल लगाता है और कम घनत्व वाला द्रव कम उत्प्लावन बल लगाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्प्लावन बल इंग्लिश में बायोन्सी फोर्स बी बराबर दिया जाता है वी डी जी, बी बराबर होता है वी डी जी, ये उत्प्लावन बल है। तो द्रव का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। अब समुद्र का पानी में नमक लवणता ज़्यादा है तो उसका घनत्व अधिक है तो वो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगाएगा, इसलिए 1/10 से तो ज़्यादा ही ऊपर रहेगा, थोड़ा ज़्यादा। समुद्र के पानी का घनत्व कितना होता है 1030 kg/m³ लगभग मान लो, और सादा पानी का कितना होता है 1000, तो 1000 सादा पानी का नॉर्मल वाटर का हम मानते हैं, समुद्र के पानी का 1030 मानते हैं। डेंसिटी ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल भी थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, तो जनरली होता है 1/10, लेकिन यहाँ घनत्व ज़्यादा है तो 1/10 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऐसे 10% माना जाता है, उसके इसमें 11% माना जाता है। 1/10 का मतलब 10% हुआ, ये होता है 1/10, 11% के आसपास। 1/10 होता है जनरली, समुद्र में 1/9, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कारण क्या होगा, कारण होगा कि समुद्र के पानी का घनत्व सामान्य पानी के घनत्व से अधिक होता है, और इसका कारण क्या है, समुद्र में के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट आइए, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र को 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। तो क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। अब इसमें जो सबसे छोटा भाग होता है वह होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम का हिंदी आपको दिया हुआ है ग्रहणी, ये सबसे छोटा भाग है। इसकी लंबाई होती है, याद रखिए हम सिंबल में लिख रहे हैं ड्यूडेनम, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, और इसका लंबाई होता है लगभग 20 से 25 cm। दूसरा होता है जेजुनम, और ये जो जेजुनम होता है इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग होती है, जिसको मध्यांतर हिंदी में कहते हैं, इसकी लंबाई होती है लगभग 250 cm। और सबसे लास्ट होता है इलियम, जिसका हिंदी लिखा हुआ है आपको, ये क्या नाम है हिंदी में इसको, इसको हिंदी में कहते हैं शेषात्र, और इसका जो लंबाई होता है वह होता है लगभग 300 cm। आदमी के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, और ये लगभग 6 मीटर के आसपास आता है। इसमें सबसे लंबा है इलियम और सबसे छोटा है ड्यूडेनम। तो अगर ह्रासवान क्रम यानी बढ़ते से घटते क्रम में, तो फिर पहले इलियम, इसके बाद जेजुनम और उसके बाद ड्यूडेनम। तो IJD इलियम जेजुनम ड्यूडेनम, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरस को विनियमित करता है। तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड के सतह में अंदर में एक और ग्लैंड होता है मटर के दाना का आकार का, पैरा थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसकी सतह में एक और छोटा सा मटर के दाने के आकार का ग्लैंड होता है, और इसका नाम होता है पैरा थायराइड ग्लैंड। क्या नाम होता है, पैरा थायराइड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का स्रावन करता है पैराथार्मोन, और ये पैराथार्मोन को शॉर्ट में कहा जाता है PTH पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन जो होता है ये छोटी आंत में कैल्शियम के अवशोषण, छोटी आंत में कैल्शियम के अवशोषण, और किडनी में छोटी आंत में कैल्शियम के अवशोषण, और किडनी जो होता है वृक्क उसमें
कैल्शियम के वृक्क में कैल्शियम के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, पुनरावशोषण को बढ़ाता है जिसके, और इसके साथ ही फास्फोरस या फास्फेट की अधिक मात्रा को, फास्फेट की मात्रा को त्याग भी करवाता है यानी उत्सर्जित करता है। तो ये जो पैराथार्मोन होता है जो सिक्रेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, और इस जिसको हिंदी में परावर्तक ग्रंथि कहते हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराऔटो ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आइए 17, कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखो एक ट्यूब होता है कोलिज ट्यूब, एक्सरे का आविष्कार आपको मालूम है जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था रॉयंटजेन, और रॉयंटजेन एक्सरे का उत्पादन करने के लिए जिस ट्यूब का यूज किए थे उसका नाम था रॉयंटजेन ट्यूब। तो सबसे पहले एक्सरे का उत्पादन रॉयंटजेन ट्यूब में ही होता था, लेकिन रॉयंटजेन जो ट्यूब होता था पहले एक्सरे के उत्पादन के लिए रॉयंटजेन नली का यूज किया जाता था, रॉयंटजेन ट्यूब ये एक्सरे प्रोड्यूस करता था। लेकिन इस ट्यूब में गर्मी जो पैदा होती थी, इलेक्ट्रॉन जब धातु पर टकराता था, एक्सरे कैसे पैदा होता है, जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कठोर धातु पर टकराते हैं तो एक्सरे पैदा होता है। तो बहुत अधिक गतिज ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को दे करके धातु से टकराया जाता था तो गर्मी पैदा होता था, और इस ट्यूब में इस गर्मी को अवशोषित करने का कोई साधन नहीं था, मतलब नली को ठंडा करने का साधन नहीं था। उसके लिए एक नया तरह का ट्यूब बना जिसका नाम है कूलिज ट्यूब, और ये कूलिज ट्यूब का प्रयोग किया जाता है एक्सरे प्रोडक्शन में, और इसमें ट्यूब को ठंडा करने का साधन होता है, तो एक्सरे प्रोडक्शन में यूज होता है। अब एक्सरे कैसा पैदा होता है, जब बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा दी जाती है, अत्यधिक गतिज ऊर्जा 5000 वोल्ट वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, इतना हाई वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन तेजी से जाता है, मरता दीवार में टकरा करके, धातु के दीवार पर टकराता है, टणाक एक्सरे पैदा होता है। तो ये एक्सरे प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आइए, मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है, मिर्बेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मिर्बेन। मिर्बेन का जो तेल होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन, ये एक खुशबूदार तेल होता है, इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, और इस नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है जो जूता का पॉलिश है या जो फ्लोर क्लीनर आता है वो सब का जो गंध होता है उस गंध को हटाने के लिए, जो दुर्गंध होता है उस दुर्गंध को हटाने के लिए इस मिर्बेन का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये खुशबूदार तेल है, यह असल में होता है नाइट्रोबेंजीन, यह है नाइट्रोबेंजीन, देखो यह है नाइट्रोबेंजीन। इसके अलावा इसका प्रयोग एक विस्फोटक भी बनाने में होता है इस नाइट्रोबेंजीन का, और उस विस्फोटक का नाम है TNB। उस विस्फोटक का नाम क्या है, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है एक विस्फोटक है, ये एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है, जैसे TNT होता है ट्राई नाइट्रो टॉलविन, उसी प्रकार ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है, और इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का, इसी को ऑयल ऑफ मिर्बेन कहते हैं, याद रखिए ये खुशबूदार तेल है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन विघटित होता है, मतलब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है कि हमको मिलता है KCl और ऑक्सीजन, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देखिए पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, और जब इसको हम हीट करते हैं गर्म करते हैं तो मिलता है पोटेशियम क्लोराइड यानी 2KCl और साथ में मिलता है 3O2। इसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, याद रखिएगा यह है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और यह मैंगनीज डाइऑक्साइड यह काम करता है कैटलिस्ट का यानी उत्प्रेरक का, किसका काम करता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाए या घटाए। अब धनात्मक उत्प्रेरक है तो बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो घटाएगा, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज कैटलिस्ट में होता है। अब क्या क्वेश्चन है,
जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। स्पष्ट है कि यह अभिक्रिया तेज किया, इसका मतलब ये कैटलिस्ट है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। देखो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पहले याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब एक बार इसको यूज कर लिया अब दोबारा यूज नहीं होगा। कुछ प्लास्टिक होता है जिसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को क्या होता है कि पिघला करके फिर यूज कर सकते हो, लेकिन ये थर्मोसेटिंग है, इसको एक बार यूज कर लिया अब इसको गर्म करोगे तो ये ठंडा हो, पहले गर्म होने के बाद ये क्या होता है कि और कड़ा हो जाता है, मतलब आप इसको रीयूज नहीं कर सकते हो, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद और प्रयोग नहीं किया जा सके। ये गर्म करने पर क्या होता है, कड़ा हो जाता है, इसको फिर यूज नहीं हो सकता है। तो ये बेकेलाइट है, और बेकेलाइट प्लास्टिक से बिजली का स्विच बनता है, टीवी और रेडियो का जो कैबिनेट होता है वो बनता है बेकेलाइट प्लास्टिक से, याद रखना। मेनली बिजली का स्विच बनाने में यूज होता है, क्वेश्चन भी यही पूछता है, बिजली का स्विच, टीवी, रेडियो के कैबिनेट बनाने के लिए किसका यूज होता है, याद रखोगे इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विच और इसका यूज होता है टीवी एंड रेडियो कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब उसका केस, रेडियो कैबिनेट, कैबिनेट उसका प्लास्टिक वाला कवर। और ये जो बैकलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। चलिए, और ये किस किस का बना होता है, तो ये बेकेलाइट जो होता है ये किस किस का बना होता है, एक होता है इसमें फॉर्मल डिहाइड, इसको आप मेथेनल भी कहते हैं, याद रखना मेथेनल फॉर्मूला होता है HCHO। और दूसरा इसमें यूज होता है फेनॉल, और फेनॉल होता है C6H5OH, या इसे भी लिख सकता है फेनॉल को बेंजीन रिंग, यहाँ OH, तो ये फिनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के अभिक्रिया से बनता है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, और इसका यूज बिजली का स्विच और टीवी और रेडियो के कैबिनेट बनाने में होता है। तो ये था आज का टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस सबको ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।